हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने है ये ह्यूंडई की टक्सन। इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रांसमिशन, वो सिर्फ ऑटोमेटिक के मैनुअल में नहीं आती है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है। एंड इसमें दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक पेट्रोल एंड एक डीजल। दोनों ही 2000 सीसी के इंजन्स हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक ही मिलता है दोनों इंजन में, चाहे पेट्रोल लें चाहे डीजल लें। एंड 13 टू 16 KMPL का माइलेज वेरी करती है ये। पेट्रोल में 13 एंड डीजल 16 KMPL का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। इसमें आपको टू व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, बट पेट्रोल में सिर्फ आपको टू व्हील ड्राइव ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। बट डीजल में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको फोर व्हील ड्राइव भी ऑप्शन मिलता है। इसका प्राइस है 22.5 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद 27.9 तक इसका एक्स शोरूम प्राइस जाता है फोर व्हील ड्राइव का। तो टू व्हील से फोर व्हील ड्राइव आप ले सकते हैं इसमें डीजल में, बट टू व्हील ड्राइव आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी। एंड अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं इस कार के एक्सपर्ट रिव्यू की बात करूं, तो इसमें आपको पावरफुल डीजल इंजन मिलता है, स्पेशियस रियर सीट मिलती है, फीचर लोडेड कैबिन मिलता है आपको। बट जो इसमें कुड बी बेटर है वो चीज़ है बम्पी राइड क्वालिटी इसकी, एंड उतनी एक्साइटिंग नहीं है ड्राइव करते समय। एंड इसका जो प्राइस रेट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम होना चाहिए था। ये सब चीज़ें हैं इस कार में, तो ये सब पॉइंट्स थे गाइस। एंड इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो है 488 लीटर टू 513 लीटर तक। एंड जो इसकी डायमेंशंस उसकी बात करो तो इसकी लेंथ जो है 4.48 मीटर है, एंड जो इसकी विड्थ है वो है 1.85 मीटर है, एंड जो इसकी हाइट है वो है 1.66 मीटर है। तो ये इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ हो गई। एंड ये सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ इसमें आपको 5 है, बट 5 लोग एकदम आराम से बैठा सकते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेट विड्थ। इस कार में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं। आप देख सकते हैं इसका साइड एंगल व्यू, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो गाइस, यही थे कुछ बातें इस कार में, छोटा सा रिव्यू था इस कार का। अगर आपको शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, एंड उसके बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग। बाय। We'll be right back.